हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के रिजल्ट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का रिजल्ट जो है वो बहुत लेट हो गया है, और इसके रीजंस हैं जो कुछ लोग कह भी रहे हैं और जिनको पता भी है कि कोर्ट में केस है। तो कोर्ट में केस का रीजन ये है, मैं आपको कोर्ट में केस का रीजन बता रही हूँ। कोर्ट में केस का रीजन ये है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पता चला है कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और जो एग्जाम है आपका वो 4 शिफ्ट में हुआ है, 1 शिफ्ट में नहीं हुआ है, 4 शिफ्ट में हुआ है। तो 4 शिफ्ट में होने की वजह से पेपर का लेवल अलग अलग था। तो वहां पर बच्चे चाहते हैं, और होता भी है कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो और उसमें मेंशन नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस वजह से अब ये चीज आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ही हो रहा है। जब जैसे ही ये चीज क्लियर होगी वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। संबंध में इसकी लिखित परीक्षा संपन्न हो गई है और इसका एक कैलेंडर हो जाता है। जैसे जो स्टेजेस हैं, जैसे पहला स्टेज है कि जो क्वेश्चन आए और उसका आंसर आया, उसके बारे में हम एक बार 31 दिसंबर तक हम लोगों ने सब अभ्यर्थियों से मांगा, उनके आपत्ति आ गए। इन आपत्तियों पर फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाएगा और उसका परीक्षण करके करीब 3 हफ्ते 21 जनवरी तक वो अपनी दे देंगे कि उसमें से क्या मानने योग्य है। और इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, अक्सर लोग कहते हैं कि गलतियां क्यों हो जाती है। ये प्रश्न आम लोगों को होता है, सब विद्वान लोग बैठे हैं उसके बाद गलती। इसमें क्या होता है कि ये काम करने वाले बहुत लिमिटेड लोग होते हैं उस विषय विशेषज्ञ के, और आप भी जानते हो कि वो क्वेश्चन बनाते हैं, वो आंसर बनाते हैं। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो जैसे 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 9 लाख लोग उसको पढ़ते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। तो 9 लाख दिमाग जब लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें होती है जो उन विशेषज्ञ जो 10-15 लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी चला जाता है कि कितनी भी आपकी विशेषज्ञता हो, और ये डिफरेंट विषय से होते हैं। तो इसलिए ये संभावना तो है, बट ये संभावना नॉर्मली बहुत कम होती है कि 1% 1.5% ही गलतियां होंगी। इसको जीरो करना तो बहुत कठिन है, लेकिन उस लिमिट में ही ये रहता है। तो ये चीज रहेगी क्योंकि इसको कोई नहीं देखता। इवन आयोग में हम लोग को नहीं पता होता क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। ये जो सिर्फ जो सेट करने वाले हैं उसको भी नहीं पता है कौन सा है। व्यवस्था इस तरह के बनी हुई किसी को पता नहीं होता है। गोपनीयता इतनी रखी जाती है इसमें, और वो जरूरी भी है क्योंकि आपने जो भी आपने पूछा पर्चे लीक क्यों होते हैं तो उसको रोकने का तरीका गोपनीयता ही है। तो उसके कारण क्वेश्चन गलत होते हैं। तो 21 तारीख तक वो आएगा, इसके बाद फिर हम लोग उसके हिसाब से, चूंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। तो एक और इसमें बात सामने आ रही है कि ये 4 पाली में हम लोगों ने परीक्षा दी है, और जो इसका विज्ञापन निकाला था उसमें हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं रखी है। तो नॉर्मली 1 से अधिक पाली होने पे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था रखी जाती है। तो ये प्रश्न इस समय चल रहा है कि इनमें क्या किया जाए, कि उसमें नॉर्मलाइजेशन तो हम लोगों ने रखा नहीं, तो अब नॉर्मलाइजेशन क्या लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आयोग को ढूंढना है। और उसके हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज हम फरवरी में इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाना होगा, उस फॉर्मूला का अप्रूवल आयोग करेगा, नेचुरली उस पर भी विशेषज्ञ लगेंगे, और उसके बाद फिर ये रिजल्ट निकल पाएगा। तो उम्मीद तो है कि हम लोग फरवरी में अंत तक रिजल्ट है इसका निकालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे अपडेटेड फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।